जब मैं स्कूलिंग में था उन्हीं दोनों खूब कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे था। एक्टर बन जाओगी तो बहुत आगे जाओगे। जब मेरे प्रिंसिपल ने ये कह दिया तो मुझे लगा कि यस क्यों नहीं। मुंबई में मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी सम्मान मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत है, जिसकी वजह से मुझे ये सब हासिल हुआ है, सिर्फ एक ही नाम है, इब्राहिम अलकाज़ी साहब। चाहे वो बेनेडिक्ट क्वीन का विलन ले लो, चाहे वो प्रेम ग्रंथ का विलन ले लो, विरासत का विलन ले लो, सत्या का विलन ले लो, सब एक दूसरे से अलग है। अगर आप बेहतरीन काम करेंगे तो ही आपकी लाइफ बेहतरीन होने वाली है, नहीं तो संघर्षों में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं आप बॉम्बे में लोग। गोविंद नाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सर, आपने हमेशा जो भी आपने करने की कोशिश करी है उसमें आप अव्वल आने की आपने हमेशा कोशिश करी है, चाहे वो आपका स्कूल हो या फिर आप एनएसडी में आपको आना था। ये जो एक हमेशा टॉप पे रहने की आपकी जो एक हमेशा ख्वाहिश रही है, वो आपके लिए क्यों इतनी जरूरी थी? मुझे लगता है कि ये संस्कार मुझे अपने फादर से मिला। मेरे फादर अपने शहर के एक नामी गिरामी पहलवान थे और मतलब लगभग हर कुश्ती वो जीता करते थे। और जब वो कुश्ती जीतते थे तो जहाँ पर कुश्तियाँ हो रही होती थी वहां से घर तक पूरे जुलूस के साथ उनको कंधे पर बिठा के लेके आया जाता था, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ, जय जयकारों के साथ। तो वो मैं इस तरह के दृश्य में लगातार कई बार देखा, कई सालों तक देखा। तो मन में ये एक भाव पैदा हुआ कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए कि मुझे भी इतनी शोहरत मिले, मुझे इतना सम्मान मिले, मुझे इतनी वाहवाही मिले, मेरी वजह से मेरे परिवार का नाम हो, मेरे शहर का नाम हो। तो कुछ इस तरह से करने के लिए मुझे वो संस्कार मेरे अपने फादर से मिला कि मुझे सबसे आगे रहना है, किसी से पीछे नहीं रहना, सबसे आगे रहना है। सबसे आगे अव्वल रहूंगा तो मुझे ये सम्मान मिलेगा, मुझे ये इज्जत मिलेगी। सो वो संस्कार मुझे उनसे मिला। Right, I think that's amazing. Sir, आपने करीबन 11 साल आपने थिएटर किया है, एनएसडी से आपने शिक्षा ली है। इब्राहिम अलकाज़ी साहब को आप कितना श्रेय देना चाहेंगे अपने करियर का, अपने अपनी सफलता का? आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी सम्मान मुझे मिला है, जो मेरी इज्जत है, जो भी मैंने अभिनय सीखा है, जिसकी वजह से मुझे ये सब हासिल हुआ है, सिर्फ एक ही नाम है, इब्राहिम अलकाज़ी साहब। उन्हीं की वजह से मैं अपने आप को इस तरह से तैयार कर पाया कि मैं, मेरे काम को लोग बहुत पसंद करते हैं। जो कैरेक्टर्स मैं बना के लोगों के सामने पेश करता हूँ वो उनको पसंद आते हैं। उनमें विविधता, उनकी जो डिफरेंट टेम्परामेंट कलर्स जो मैं कैरेक्टर्स में लेके आता हूँ, वो सिर्फ अलकाज़ी साहब की वजह से, उन्होंने ही ये सब सिखाया है, जिसकी वजह से मैं आज ये कर सका हूँ। सो एक ही नाम, एक ही श्रेय, श्री इब्राहिम अलकाज़ी साहब। सर, आप करीबन 28-29 साल से आप फिल्मों में आप हैं, आपकी शोहरत है, पैसा आपने कमाया, लेकिन जो आपने थिएटर जो आपने जो किया है, वो आपका दौर कैसा था और आप उसको कितना श्रेय देना चाहेंगे एक मंझे हुए कलाकार होने के लिए जो आपने सीखा हो थिएटर से? एक्चुअली मैंने ये नेशनल स्क्रिप्ट ड्रामा रेपेट्री कंपनी, जो ग्रुप है जिसमें मैं 11 साल रहा, उसको रेपेट्री कंपनी नाम दिया गया है, रेपेट्री कंपनी के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल हिंदी में। तो मैं ये रंगमंडल मैंने ज्वाइन ही इसीलिए किया था कि मैं जब एनएसडी का कोर्स कंप्लीट किया, मैंने जब ये प्रश्न आया कि मैं अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, तब मुझे लगा कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ हूं, इतना मैच्योर नहीं है मेरे एक्टिंग की अंडरस्टैंडिंग कि मैं किसी भी बड़े कलाकार के सामने खड़े होकर अपना 100% दे सकूं। मैं बार बार अपने एक इमेजिनेशन में अपने सामने बड़े बड़े कलाकारों को खड़ा करता था, उनके सामने परफॉर्म करने की कोशिश करता था, और फिर बार बार ऐसा लगता था कि नहीं, अभी मैं कच्चापन है, मुझे और मेच्योरिटी लेवल मेरा बढ़ना चाहिए एक्टिंग को लेके, क्योंकि मुंबई में मेरा कोई गॉडफादर तो था नहीं। तो अगर मेरे काम में बारीकियां होंगी, मेरे काम में गहराई होगी, तो ही मुझे पसंद किया जाएगा, मेरे काम को पसंद किया जाएगा और मेरा करियर कुछ आगे बढ़ेगा। सो जब मुझे लगा कि मुझे में अभी कच्चापन है, और उन दोनों में ये रेपेट्री कंपनी के जो भी कलाकार रहे, श्री मनोहर सिंह जी, सुरेखा सीकरी जी, उत्तरा भावकर जी, राजेश विवेक, पंकज कपूर, ये कमाल का काम करते थे।
कमाल का काम करते थे। मतलब उनके काम को देख के हम हतप्रभ रह जाते थे कि ये क्या काम किया उन्होंने, क्या क्या मैंने एक्टिंग का लेवल देखा। सो उनसे बहुत प्रभावित थे हम। तो मुझे लगता था कि अगर एक्टिंग करनी हो तो इस लेवल की होनी चाहिए कि लोगों को अपने इम्पैक्ट में ले ले आपका काम, आपकी एक्टिंग, जिस तरह से हम इम्पैक्ट में आए। तो अगर ये सीखना है तो मुझे इनके साथ रह के इनसे सीखना पड़ेगा, इनसे पूछ पूछ के मुझे अपने अंदर बुलाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अभ्यास करके कि ये लेवल उन्होंने कैसे हासिल किया, क्या क्या उन्होंने एक्सरसाइजेस की, किस तरह की सोच इनकी है। जब मैंने उनके बारे में मालूम किया कि इनको कितने साल हो गए हैं रंगमंडल में, तो पता लगा कि किसी को 3 साल कोर्स करने के बाद 6 साल और इस रंगमंडल में हो चुके हैं, मतलब 9 साल हो गए हैं, किसी को 8 साल हो गए हैं, किसी को 7 साल हो गए हैं, तब जाके उन्होंने ये लेवल हासिल किया है। तो मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वो जो अव्वल आने का एक वो जो भाव रहता था मन में कि अगर मुझे इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में भी अव्वल आना है, फर्स्ट रो में रहना है, तो मुझे मेरा काम बोलना चाहिए, मेरे काम में वो बात होना चाहिए, वो आकर्षण होना चाहिए जिसकी वजह से मैं अव्वल रह सकूं। सो मैंने डिसाइड किया कि इन लोगों ने, किसी ने 8 साल 9 साल दिए हैं, मैं 10 साल यहाँ काम करूंगा, अपने आप को तैयार करूंगा, अपना मेच्योरिटी लेवल बढ़ाऊंगा, और जब तक मैं इस लेवल को हासिल नहीं करूंगा मैं बॉम्बे नहीं जाऊंगा। और ये डिसाइड करके मैं एनएससी रेपेट्री कंपनी में ज्वाइन हुआ और मैंने वहां 11 साल काम किया। और इन 11 सालों में जो काम हुआ है, जो मतलब ईश्वर की भी कृपा होती है, ईश्वर का भी साथ मिलता है। जब कहते हैं ना कोई बहुत शिद्दत से अगर कुछ चाहे तो पूरी कायनात उसके साथ शामिल हो जाती है, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। सो मैं इस ग्रुप में शामिल हुआ और लकीली भाग्य से उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि पूरी दुनिया के दिग्गज डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता था उस ग्रुप में नाटक डायरेक्ट करने के लिए। सो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जर्मनी के फ्रिट्ज बेनेविट्स बहुत बड़ा नाम है थिएटर जगत में, रिचर्ड शेक्सपियर अमेरिका के बहुत बड़ा नाम है उनका, बैरी जॉन हम सब जानते हैं उनको, इब्राहिम अलकाजी साहब बहुत बड़ा नाम है थिएटर में, बीवी कारंत साहब, भानु भारती जी, अमाल अल्लाना, मिस्टर पणिक, एम के राणा, ये जो ये सब क्रीम है थिएटर की, इनके साथ काम करने का मौका मिला और इनसे खूब सीखने का मौका मिला। अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं उनसे भी सीखने का मौका मिला और बारीकियां अपने काम में इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है ये सब हमने डायरेक्टर्स से सीखा, उन डायरेक्टर से अपने काम को मैच्योर किया। और जब 11 साल के बाद जब मुझे ये एहसास आया कि यस अब मुझ में वो परिपक्वता आ गई है कि मैं किसी भी बड़े स्टार के साथ खड़े होके अपना 100% तो दे ही सकता हूँ, उनसे बेहतर भी काम कर सकता हूँ, तब फिर मैं जाके यहाँ बॉम्बे आया। सो थिएटर वो रीजन बना मेरे इस जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है, जो भी सक्सेस मुझे हासिल हुई है, जो भी मेरा स्थान अभी इंडस्ट्री में है या लोगों के दिलों में है, दर्शकों के दिलों में। एब्सोल्युटली गोविंद जी, मैं आपने एक इंटरव्यू देखा था, आपने कहा कि जब आपने डिसाइड किया एनएससी में जाने के लिए, एक तो आपकी ये धारणा आपके थी कि अगर आपको कुछ बड़ा बनना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके लिए, तो मैं ये देख रहा था आपने ये बोला है कि एक जो चैलेंज जो आपके आपके जहन में था वो था भाषा का। आज लेकिन आप इतनी आई थिंक कमाल की आप हिंदी बोल रहे हैं, वो कैसा चैलेंज था आपके लिए? वो तो ऐसा था कि जैसे कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अचानक कॉन्वेंट एजुकेटेड लॉट में फंस जाए और बिल्कुल भोंदू साबित हो जाए, या वो भोंदू साबित कर दिया जाए उस लॉट की वजह से, उन लॉट के लोगों के द्वारा। तो ये ऐसा ही था, बिल्कुल फैक्ट था। जब मैं हिंदी की अंग्रेजी ओवरऑल मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन में बताता हूँ। मैं सागर शहर में पैदा हुआ, सागर पता नहीं कितना आप जानते हो कि नहीं, लोगों को मालूम होगा, लेट 60s का सागर, बहुत ही छोटा सा शहर, और ज्यादातर आसपास के गांवों से लोग शहर में आए हुए। सो मैं, मेरे मदर फादर, मेरे माता पिता गांव से आए हुए थे
और घर का पूरा वातावरण गांव वाला ही था। गांव वालों की तरह की परंपराएं, उस तरह की मान्यताएं। सातवीं क्लास तक मैं सागर में पढ़ा, उसके बाद फिर आठवीं क्लास से ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली में पढ़ाई मेरी पूरी हुई है। नेशनल स्कूल ड्रामा में उन दोनों ग्यारहवीं क्लास एलिजिबिलिटी थी एडमिशन की। तो जब मैं स्कूलिंग में था, नौवीं दसवीं ग्यारहवीं कर रहा था, उन्हें दोनों खूब कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत आगे था। एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज थी सब में हिस्सा लेता था। स्पोर्ट्स में ड्रामे लिखता था उस समय, जो भी एक उस समय का एक बच्चा मन लिख सकता है, एक्टिंग करता था, गाने गाता था, कविता वाचन करता था, कविताएं लिखता था, भाषण लिखता था, वाद विवाद प्रतियोगिताएं इनमें खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, दूसरों के लिए भाषण लिख के देता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी मुझे कल्चरल एक्टिविटीज में मैं बहुत शौक था, मैं बहुत एक्टिव था, मतलब ओवर एक्टिव जिसको कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा। मुझे लगता था कि मुझे स्टेज पर ही बने रहना चाहिए। और कुछ एक मैंने सोलो परफॉर्मेंसेस भी तैयार की हुई थी, और जब वो मैं दिखाता था तो लोगों को हमारे टीचर्स वाह वाह कर देते थे और स्टूडेंट्स वाह वाह कर देते थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं से वो मुझे ट्रिगर मिला जिसने मुझे एनएसटी में पहुंचा दिया। जब टीचर्स ने तारीफ करनी शुरू कर दी, मेरे अपने दोस्तों ने तारीफ करनी शुरू कर दी कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, अगर तुम एक्टर बन जाओगी तो बहुत आगे जाओगे। जब मेरे प्रिंसिपल ने ये कह दिया तो मुझे लगा कि यस क्यों नहीं, ट्राई करके देखना चाहिए। और चूंकि सौभाग्य से एनएसजी का जो इंस्टीट्यूट था वो हमारे स्कूल के बिल्कुल पास में था, मतलब यहाँ से 2 फरलांग आगे, इतना नजदीक, आधा किलोमीटर से भी कम। सो कुछ ऐसे संयोग जुड़े कि मैंने एनएसजी का फॉर्म भर दिया। और चूंकि एक्टिविटीज बहुत थी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था ऑन स्टेज, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। चूंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा, सागर में भी, यहाँ दिल्ली में। वो उस तरह के संस्कार मेरे बने रहे मेरे मन में, वो निकले नहीं, जो एक गांव के संस्कार, अच्छी अच्छी बातें करना। और इवन भाषा, मेरी भाषा में, भाषा की शुद्धता के बारे में मुझे किसी से भी कोई ज्ञान नहीं मिला किसी भी तरह का। जिस तरह के टीचर्स रहे हमारे, उनका हाँ ठीक है चलेगा, मतलब भाषा के ऊपर। एक तो हमारे हिंदुस्तान में भी ये बात है, हमारे हिंदुस्तान में जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें भाषा को सुधारने का कहीं भी कोई स्कोप नहीं दिया गया है। टीचर्स भी गलत बोलते हैं और बच्चों को भी गलत बोलने देते हैं, उनको भी नहीं मालूम कि सही क्या है। आप जाएं गाँव में, छोटे शहरों में, जिस तरह की भाषा टीचर्स बोलते हैं, जिस तरह की भाषा बच्चे बोलते हैं, खासतौर से गाँव के जो डायलेक्ट बेस्ड इनकी भाषा है। मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड ही हमारी भाषा रही। सो भाषा के ऊपर भी कोई काम नहीं हो पाया। और चूंकि बुंदेलखंड में जो बोलने का अंदाज है थोड़ा हाई नोट का है, तुम कहाँ जा रहे थे यार, तुमने हमको बताया ही तक नहीं, तो कुछ थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा उसमें एक म्यूजिक तो है ही, बहुत अच्छी बात है, म्यूजिक तो है, लेकिन वो हाई नोट में है, तो वो मेरे नेचर में था हाई नोट में बोलना। ना तो भाषा पर कुछ काम हो पाया था, हाई नोट में बोला करता था। अगर हिंदी भी जो मैं बोलता था हाई नोट बोलता था, क्योंकि वो हाई नोट किसी ने एक तो पॉइंट आउट नहीं किया कि तुम ऐसे क्यों बोलते हो, तुम नीचे बोलो, किसी ने भी सुधारा नहीं। और एनएसटी में आने के बाद जब वहां तो जो भी स्टूडेंट्स आए वो सभी ज्यादातर कॉन्वेंट एजुकेटेड, बहुत ही शो ऑफ और बहुत ही कंपोज्ड, जिस तरह से हम देखते हैं थोड़ा ज्यादा शोशेबाजी ज्यादा होती है। और खास तौर से जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं उनको तो हमेशा एज ये टेंडेंसी भी है, जो हिंदी स्पीकिंग एरिया से आते हैं उनको ज्यादा इंग्लिश का नॉलेज होता नहीं है, इंग्लिश बोलते नहीं है, बोलने की कोशिश करते हैं तो गलत सलत निकल जाता है, तो उनको वैसे ही ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया जाता है कि अच्छा साइड में। तो कुछ वैसा ही हुआ। शुरू के 3 दिन बहुत अच्छे बीते एनएसटी में, सबके साथ खूब घुले मिले। पहला शुरुआती दौर था, सब लोग अच्छी तरह से मिले, एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से मिले। 3 दिन साथ रहे, 3 दिन में ये मालूम पड़ गया कि कौन कहाँ कैसे किस लेवल का बंदा है। धीरे धीरे ये हुआ कि
शुरुआत में हम फर्स्ट रो में थे, फिर एक हफ्ते के बाद सेकंड रो पीछे चले गए, उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर एक रो पीछे चले गया, एक महीना बीतते बीतते सबसे लास्ट रो में पहुंच गया मैं, बिकॉज ऑफ मेरा बोलने का अंदाज, मेरी भाषा, इवन मेरा आचरण, इस सब को तोड़ने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। एक दौर एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैंने डिसाइड किया था कि ये जगह मैं गलत आ गया हूँ, मैं गलत जगह आ गया हूँ, ये जगह मेरे मतलब की नहीं है। मैं ये लक्ष्य लेके आया था कि अगर मुझे कुछ बड़ा बनना है तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA की डिग्री हासिल जरूर करनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ बड़ा बन सकता हूँ। तो कुछ इस तरह के नोशन मन में थे और उसी लक्ष्य को लेके मैं दिल्ली आया था। सो जब मुझे ये लगा कि मैं किसी गलत जगह आया हूँ, ये जगह मेरे मतलब की नहीं है, तो मैंने एक टाइम ऐसा आया था कि मैं यहाँ से निकल जाने का मैंने डिसाइड कर लिया था। उस समय पर अलकाजी साहब ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ब्रिलियंट बच्चे हो, तुम्हारा जो मैंने रिकॉर्ड देखा है, फर्स्ट डिवीजन से पास होना स्पोर्ट्स में और कल्चरल एक्टिविटीज में, तुमने इतना कमाल का काम किया है, तुम इस अंग्रेजी से क्यों घबरा रहे हो, इन लोगों से क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे पास अपना जो एक मेंटल स्टेट है बहुत स्ट्रांग है और तुम्हारे पास अपनी बॉडी है, जिस भी सब्जेक्ट में भाषा आड़े नहीं आ रही, भाषा इस्तेमाल नहीं हो रही है, जैसे मेकअप है, म्यूजिक है, एक्टिंग है, स्पीच है, डांस मूवमेंट है, सो फाइटिंग है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें भाषा का इतना कुछ लेन देन है नहीं, योगा है, तो तुम जितने मेहनती बच्चे हो, अगर तुम इन सब्जेक्ट्स को फोकस करो, सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें भाषा जो हमारे प्रैक्टिकल नहीं थे उसमें भाषा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल था, लेकिन बाकी 8 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो जिसमें भाषा का इतना इस्तेमाल नहीं था। तो उन्होंने मुझे एकदम से ऐसे रियलाइज करा दिया कि यस, मैं शायद गलत सोच रहा था। और फिर वहां से मेरा जो एक जो मेरा परिवर्तन मेरी सोच में आया, मेरे कामों में आया, और वो आगे चलकर मुझे आज तक काम आ रहा है, जो अलकाजी साहब ने मुझे मोटिवेट और गाइड किया था। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक आज के टाइम पे आपके पास करीबन 8 से 9 फिल्में आप इस वक्त करेंटली आप कर रहे हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन गोविंद जी, एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहता था कि हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत बार हम देखते हैं कि जो नए लड़के लड़कियां आते हैं उनके अंदर एक बड़ी जल्दबाजी होती है, वो कुछ बहुत ही जल्दी से वो कुछ स्टार बन जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, और इन्हीं सब जल्दबाजी के चक्कर में फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिसिल्यूजनमेंट होता है और बहुत बार वो हार जाते हैं। लेकिन जो आप अगर आप यंगस्टर्स को अगर आप कुछ कहना चाहें कि जो आपने 11 साल का जो आपने वक्त दिया थिएटर को और जो आप तैयार होके आप यहाँ पर आए, मतलब आपने जैसे अपना भाषा से रिलेटेड आपने बात करी, मैं आपके जब इंटरव्यू देख रहा था तो मैंने एक बात नोटिस करी एंड आई एम वेरी सर्टेन कि वो आपको थिएटर की वजह से आपको उसमें हेल्प हुआ, कि जब आप बात करते हैं तो बहुत आप रुक रुक के बात करते हैं, बहुत ही संयम में आप बात करते हैं, हर चीज को हर लफ्ज को आप तोल के और उसको आप उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। ये मतलब मेरे तजुर्बे में आई थिंक ऐसे ही एक्टर्स में आ सकता है जो कि मंझे हुए हों, जिन्होंने ये एक एक्सरसाइज के तरीके से डायलॉग डिलीवरी क्या होना चाहिए वो प्रैक्टिस किया हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को कि क्यों जरूरी है थोड़ा सा संयम रखना, तैयारी करना और अच्छे से तैयार होके आना, बजाय इसके कि नाम और शोहरत और पैसे के पीछे भागना। जिस सब्जेक्ट को आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसके आधार पर आप अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप उसमें कितने पारंगत हैं इस बात की परख आपके अंदर होनी ही चाहिए। आप किस लेवल तक काम कर सकते हैं, जो आपके आइडियल एक्टर्स हैं, जो आपकी एज लेवल के आइडियल एक्टर्स हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, जिनके काम से आप बहुत प्रभावित हैं, आप उनके लेवल का काम कितने हद तक कर सकते हैं। अगर सपोज कोई हमारे आजकल जो हमारे NSD के एक्टर्स आए हुए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, इनके काम से अगर आप प्रभावित हैं, जो भी न्यू कमर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने कभी ऐसा इस तरह से अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट किया कि जो आपके काम का लेवल है उनके काम के लेवल से कितना ऊपर नीचे है? अगर
आप उनके काम से प्रभावित हैं, अगर आपके किस कोई खास इस तरह के सीन्स हैं जिनकी जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, आप वही सीन्स उठा लीजिए और उनको आप पेपर पर लिख लीजिए, एक एक डायलॉग एक एक लाइंस आप लिख लें, और जिस तरह से जितने डिग्री में उन्होंने इमोशंस दी हैं, जो डायलॉग डिलीवरी दी है, कहाँ कहाँ रुके हैं, किस तरह का उन्होंने बॉडी लैंग्वेज दी है, ये सब चीजें भी आप लिख लें और बिल्कुल एज इट इज करने की कोशिश करें, जितना जिस जैसा उन्होंने करके दिखाया है उसको खूब अभ्यास करें, खूब बार 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 दो दो चार चार लाइन्स लेके आप पहले चार लाइन्स लें, उन चार लाइन्स में उन्होंने क्या क्या इमोशंस दी हैं, वो इमोशंस आप डालने की कोशिश करें, किस तरह की डायलॉग डिलीवरी उन्होंने दी, क्या टोन उन्होंने इस्तेमाल की है उन चार लाइन्स में, वो सब आप लिख के आप वो डिलीवर करने की कोशिश करें। जब हो जाए उसके बाद आगे की चार लाइन्स लें, उसके बाद फिर आगे की चार लाइन्स, इस तरह से आप अपने आप को तैयार कर लें, और जब वो पूरा एक सीन तैयार हो जाए बिल्कुल जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, आप उसको परफॉर्म करने की कोशिश करें, खूब रिहर्सल करें, आप देखें कि आप वो इमोशंस दे पा रहे हैं कि नहीं, आप वो डिग्री इमोशंस, ऐसा नहीं कि कोई गुस्से में है तो 100% ही गुस्से में आ जाता, कभी आप कम गुस्से में है, कभी आप बिल्कुल लो में गुस्से में है, कभी आप हाई लेवल पर गुस्से में है, तो ये सब डिग्री आपको जांचनी है। जब आप वो ये कोशिश करें कि आप वो ही उतनी ही इमोशंस दें जितनी उन्होंने दी, वो बॉडी लैंग्वेज देने की कोशिश करें, जिस तरह की मैंने बताया अभ्यास, वो खूब अभ्यास करके आप देखें अपने आप को कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक ना कर पाए तब तक आप कोशिश करें, और जब आपको लगे कि हाँ आप कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके आप देखें कि क्या आप अगर एग्जैक्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम कितना उनके आसपास जा पा रहे हैं, 75% जा पा रहे हैं, 50% जा पा रहे हैं, अगर 50% भी जा पा रहे हैं तो तब आप इस काबिल हुए हैं कि इसके बाद आप एक बढ़िया सी ट्रेनिंग करें, जहां पर आपका जो हुनर है जो आप महसूस करते हैं कि आप कर सकते हैं उसको निखारने का काम शुरू हो, आपको बारीकियां कैसे लानी है, कैसे एक्टर्स बारीकियां लाने की कोशिश करते हैं ये सीखने का मौका मिले, आप ये समझें। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि पूरा आपका पूरी लाइफ आपकी इस करियर पर टिकी हुई है, अगर आप बेहतरीन काम करेंगे तो ही आपकी लाइफ बेहतरीन होने वाली है, नहीं तो संघर्षों में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं बॉम्बे में लोग इस आशा से कि शायद कल कुछ अगले महीने कुछ हो जाएगा, शायद अगले 6 महीने में हो जाएगा, शायद अगले साल कुछ हो जाएगा, कोई ऐसा कोई डायरेक्टर अचानक मुझे मिल जाएगा जो कहेगा यार तुम बहुत अच्छे काम कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले का टाइम नहीं रहा जब वो आपकी शक्ल देख के ही आपको ले लिया जाता था कि चलो बाकी काम हम इनको सिखाने में कर लेंगे, आजकल सिखाने का टाइम किसी के पास नहीं है, आपको पूरी तरह से सीख के आना है यहाँ बॉम्बे, अच्छी तरह से पारंगत होके आना है अपने हुनर में, ताकि आपको एक काम मिले, आप एक काम में ही प्रूव कर दें अपने आप को कि मैं और लोगों से बेहतर काम कर सकता हूँ, तब आपका करियर आगे बढ़ सकता है। सो मेरा न्यू कमर्स के लिए ये ही कहना है, ये मेरा सजेशन है, मेरी सलाह है। गोविंद जी, आपने कमाल के परफॉर्मेंसेस आपने किए, आई थिंक करीबन 115 फिल्मों में आपने काम किया है, बैंडेड और ज्यादा मोर देन 125 बैंडेड क्वीन की अगर जिक्र करें, सरफरोश का जिक्र करें, बहुत से यादगार आपके परफॉर्मेंसेस रहे, आप अपने सिनेमा के करियर को आप कैसे देखते हैं, सिनेमा के सफर को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत सैटिस्फाइड हूं, जितना प्यार सम्मान पैसा वगैरह सब मिला है, खासतौर से मैं जो मेरे दर्शकों के लिए दिल में मेरे लिए जो जगह है मुझे बहुत सेटिस्फाई संतुष्टि देती, बहुत आत्मा तक संतुष्ट हो जाती है जब कोई मिलता है कि आपके जैसा कोई नहीं है, हो सकता है कुछ ज्यादा बोल देते हों लेकिन दर्शक इस तरह से कहते हैं कि जिस तरह का काम आप करते हैं मुझे कोई और एक्टर नहीं दिखता इस तरह का, कि आप जब विलन का काम करते हैं तो हर विलन एक विलन से अलग होता है, हर विलन एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो बैंडेड क्वीन का विलन ले लो, चाहे वो प्रेम ग्रंथ का विलन ले लो, विरासत का विलन ले लो, सत्या का विलन ले लो, सब एक दूसरे से अलग है, सरफरोश का विलन ले लो, सत्या का ले लो, ओ माय गॉड का ले लो, तो ये कैरेक्टर्स हैं जो मैंने NSD में रह के अलका जी साहब से सीखा है बनाने,
कि किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं अपने डायलॉग डिलीवरी में, अपने कैरेक्टराइजेशन में, ओवरऑल किस तरह से आप ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, उनके दिलों में जगह बनाएंगे। सो ये सब चूंकि मैं कर सका और मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक पसंद करती है मुझे, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। कभी मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी शोहरत मिलेगी, इतना सब कुछ मिलेगा, इतना लोगों का प्यार मिलेगा। दुनिया में कहीं चले जाएंगे वहां आपको आपके चाहने वाले मिल जाएंगे, ये कितनी बड़ी बात है। संसार में कहीं भी चला, ये आज की जो सिनारियो है उसका मुझे फायदा मिला कि अगर मैं लंदन पहुंच जाऊं या अमेरिका पहुंच जाऊं या कनाडा पहुंच जाऊं, स्विट्जरलैंड में था भाई पिछले दिनों, वहां अब पेरिस में, सभी जगह जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, एकदम तो उनकी बाँछें खिल जाती हैं और वही प्यार मुझे सामने से मिलता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती किसी की लाइफ में, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना सब कुछ। सो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और सेटिस्फेक्शन की कहते ना, सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए आदमी को, आगे की तो ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ नहीं रुकती है, क्योंकि मैं, ये मेरा एक पक्ष ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, दूसरा पक्ष ये है कि जो भी मुझे काम मिले उसे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा टाइम लगा के इस तरह से बनाना, इस तरह से करना कि सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़े। मैं ये मानता हूँ, मैंने ये सीखा है कि जो भी आप काम करें, अगर आपको एक झाड़ू लगाने का भी काम मिले, आपको बर्तन मांजने का भी काम मिले, या आपको छोटे से छोटा काम मिले, आप उस काम को इतनी बेहतरीन ढंग से करें कि कोई देखने वाला उसके मतलब मजबूर हो जाए कि यार ये किसने झाड़ू लगाई है, यार बहुत अच्छा है। हमको जब स्टेज पर सफाई करने का काम मिलता था तो हम इस तरह से करते थे कि वो डायरेक्टर आके कहता था यार किसने सफाई की है, यार बुलाओ उसको, कितना अच्छा लग रहा है, सबको बिल्कुल क्लीन करीने से, बिल्कुल लाइंस के साथ। सो हमने ये सीखा है। सो काम इस तरह के मुझे मिल रहे हैं और लकीली अभी तो एक वेब सीरीज और वेब फिल्म्स और शॉर्ट फिल्म्स, ये इसका भी दौर आ गया है। तो जो डर मुझे था कि फिल्मों में मुझे शायद इस तरह के कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, अब वो मुझे वेब सीरीज में अब मिल रहे हैं। कौन से वेब शो में ऐसा? अभी एक हम शूटिंग कर रहे हैं इंस्पेक्टर अविनाश, उसमें रणदीप हुड्डा इंस्पेक्टर अविनाश हैं, टाइटल रोल कर रहे हैं, नीरज पाठक जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जियो के लिए है। इसमें आई एम प्लेइंग रणदीप हुड्डास फादर, और रणदीप हुड्डा चूंकि पुलिस में है और मैं पुलिस को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, नफरत करता हूँ पुलिस से। सो ये जो है हमारा चलता है आगे तक, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ मैं अपने बेटे को खूब सपोर्ट करता हूँ। एक मेरा एक ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट है जिसके बारे में शायद मैं बता नहीं सकता हूँ, वहां पर मैं अपने बेटे को सपोर्ट करता हूँ और दुनिया को दिखा देता हूँ कि मेरे बेटे ने क्या किया है क्या। सो ये कैरेक्टर है जो मैं कर रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। गोविंद जी, आप वॉन्टेड में आपका काम बहुत पसंद किया गया था, अभी आप राधे में नजर आएंगे सलमान के साथ में। आपने एक इंटरव्यू में आपने कहा है कि सलमान बहुत ही नॉन इंटरफेयरिंग टाइप ऑफ एक्टर हैं और हर किसी को अपना एक स्पेस देते हैं, तो ऐसे एक्टर्स के साथ में काम करने में काफी मजा आता है। तो अगर आप सलमान के बारे में बताना चाहें और राधे के बारे में कुछ बताना चाहें। सलमान के बारे में यह है कि पूरी आजादी होती है, एक बार आप अपना क्लैरिटी दे दो कि हम किस तरह से करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बहुत ही फ्रेंडली वे में सब चीजें होती हैं, जो सीन है जिस तरह से डिस्कस करके कुछ अपना आउटपुट हम देना चाहते हैं, कुछ अपना उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्कस करो और कन्विंस करो तो बहुत ही वो सीन ही कुछ अलग बन जाता है। जैसे नॉर्मल होता है जब सीन शुरू होता है या सीन के पहले डिस्कशन होता है सीन को लेके डायरेक्टर के साथ, तो सब अपना अपना इनपुट देते हैं और सब अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद फिर सीन रिहर्स होता है और फिर सीन तैयार होता है। तो ये वातावरण वहाँ भी है। सलमान के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत अच्छा बड़ा ऐसा महसूस होता है कि यह समय किसी बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, बड़ी यूनिट के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही सम्मान मिलता है, बहुत ही रिकॉर्ड करते हैं। राधे के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, राधे के बारे में मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें मैं एक फ्रेंडली अपीयरेंस में काम कर रहा हूँ,
जो कैरेक्टर मैंने वांटेड में किया था कुछ उसी से मिलता जुलता कैरेक्टर, जो कि इसमें लेंथ नहीं बढ़ पाई है किसी वजह से। सो वो मैंने किया है, वो फ्रेंडली अपीयरेंस है मेरा, इस वजह से मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, ना करना कुछ मकसद नहीं बनता। लोगों में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि इसमें भी है, चलो देखें क्या है, और पता लगे कि बहुत छोटा है काम, तो दिल टूटता है। इस वजह से मैं ज्यादा इसके बारे में शेयरिंग नहीं करता हूँ। अभी भूल भुलैया 2 आने वाली है, वो जिसकी शूटिंग चालू है, आपने शायद उसके बारे में सुना होगा। जी जी बिल्कुल। हाँ, लॉकडाउन के पहले हम शूट कर रहे थे, पर अचानक हमको शूट रोक देना पड़ा लॉकडाउन की वजह से। अभी वो फिर से हम रिज्यूम कर रहे हैं शूटिंग, और होपफुली अगस्त सितंबर में आ जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही डायनामिक कैरेक्टर है इसमें मेरा। बस इतना ही कहने की मुझे इजाजत है, ज्यादा ब्रीफ करने की इजाजत नहीं है। और ये है कि मुझे आजकल की जनरेशन के जो स्टार्स हैं, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी, मुझे इनके साथ काम करके बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से हम नई जनरेशन के बारे में, जैसे अभी हमने चर्चा भी की, थोड़े बहुत जल्दी में रहते हैं और पुरानेपन को बिल्कुल चाहते नहीं, पुरानापन कुछ आए यहाँ पर, और पुराने लोगों को भी वो नहीं चाहते। सब कुछ नया नया और सब कुछ अच्छा अच्छा और कुछ बड़ा बड़ा और फास्ट, वो इन लोगों में नहीं दिखी मुझे। बहुत मेहनती हैं दोनों, तो बहुत मेहनत करके सीन तैयारी के, पूरी तैयारी के साथ सेट पर आना, ये सब चीजें एक अच्छा संकेत है उनके आगे बढ़ने का। बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाली जनरेशन मेहनत करके पूरी तैयारी के साथ पूरे सेट पर आए, जैसा हम करते रहे हैं, तो फिर बात कुछ अलग बनती है, कुछ सीन अलग बनता है, कुछ जो आउटपुट निकल के आता है बहुत ही बेहतर होता है। सो इनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। गोविंद जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे था, सरफरोश आपकी एक ऐसी फिल्म है जो कि आज भी ताज़ा है। मैंने भी करीबन एक हफ्ता पहले जॉन मैथ्यू मथान के साथ में मेरा एक सेशन था इफी गोवा के लिए, उनसे काफ़ी डिटेल में उनसे बात हुई, और वो आज भी सरफरोश की वजह से जाने जाते हैं। सरफरोश की कैसी यादें हैं, आमिर खान के साथ में काम करने की कैसी यादें हैं? बहुत अच्छा, बहुत ही, मतलब बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। मुझे लगता है कि जितने भी और दूसरे स्टार्स हैं, मतलब कंपेयर, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। सलमान हैं, शाहरुख हैं, अक्षय हैं, और सब जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको मैं जानता हूँ, सबकी अलग अलग अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं। आमिर में ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि एकदम फ्रेंडली हो जाते हैं, यार यार करके बात करते हैं, तुम ऐसे करते ना यार, ऐसे करते ना, तो वो एकदम से उनके ये एक बेहतरीन क्वालिटी है जिसको मैं हमेशा मैं प्रशंसा करता हूँ इनके, ऐसे मतलब ये आमिर के साथ के मेरे एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत, और मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उनको सम्मान देता हूँ इस बात के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, सभी लोग, पूरी दुनिया जानती है उनके बारे में, जिस तरह से वो सोशल सोसाइटी के साथ सोशली किस तरह से वो जुड़े हुए हैं, किस तरह की सोच है उनकी, काम करने का तरीका उनका किस तरह का है, किस तरह से फोकस होके और खूब मेहनत के साथ वो आते हैं हर बार हर कैरेक्टर के साथ, साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं, बाकी टाइम में अच्छा अच्छा एक सोशल कॉज के लिए, अच्छे कॉज के लिए उनका काम देखने को मिला है। आज भी हम उठा के सत्य में जाते देखते हैं, कितना हमको नॉलेज मिलता है, कितना हमको हमारी सोच बदल जाती है लोगों के बारे में, जिनको हम जानते नहीं, जिनके साथ हमने डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं किया, हमको क्या पता कि उनकी सोच क्या रहती होगी। जब हम सत्यमेव जयते में ये सब देखते हैं, उनके अपने मन के भाव, उनकी अपनी कहानियां, उनके अपने स्ट्रगल संघर्ष, उनके दुख तकलीफें जब हम देखते हैं, तो एकदम जुड़ाव होता है, ऐसा लगता है कि हम इनके बारे में क्यों नहीं सोचते, हमने क्यों नहीं इनके बारे में सोचा, जब हमको मौका मिला हमने क्यों इस तरह से रिएक्ट नहीं किया, क्यों हमने इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, हम बेवकूफ थे, हमने गलती की, हमको करना चाहिए था, ये सीख देती है वो सत्यमेव जयते के प्रोग्राम्स। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, तो यही तो मकसद है, यही तो मकसद है, बिल्कुल बिल्कुल। ये मकसद पूरा हो रहा है, ये मकसद पूरा हो तो आपकी जिंदगी सुकारत है, सार्थक है आपकी लाइफ, अगर आपने लोगों को मोटिवेट कर दिया, आपने लोगों को जागृत कर दिया, आपने लोगों को इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान दे दिया, आपका जीवन सार्थक हो गया। मैंने एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गोविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का,
बहुत मुबारक आपको, एक बहुत ही कमाल की आपका सफर सफर आपका है और अभी भी सफर आपका जारी है, और इस वक्त आपके पास करीबन 8-9 प्रोजेक्ट्स आपके पास इस वक्त हैं। आई थिंक यू आर वन ऑफ द बिजीएस्ट एक्टर्स दैट वी हैव, सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट विशेस सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही थैंक यू सर।